आज की इस वीडियो में अपनी पर्सनल जर्नी को डिस्क्राइब करूंगी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कैसे फ्री में डीएसए को पढ़ा और कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और गोल्डमैन को क्रैक करा। ये कंपनीज ऑफ कैंपस भी मैंने क्रैक करी और ऑन कैंपस भी क्रैक करी है, तो मतलब ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। ये जो वीडियो है ना, इसको देखने के बाद तुम्हें काफी क्लैरिटी आ जाएगी कि तुम्हें डीएसए कैसे स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग एनी पेनी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नैंसी सोलंकी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। मैंने अपना फर्स्ट ईयर पूरा एक्सप्लोर करने में लगा दिया था। मैंने पूरे फर्स्ट ईयर में जीरो डीएसए पढ़ाई करी थी, मतलब डीएसए मैंने किया ही नहीं था। फर्स्ट ईयर मेरा बिल्कुल एक्सप्लोर करने में चला गया था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या चीजें करनी होती है। मेरे आसपास के बैच के बच्चे काफी ज्यादा, मतलब कोडिंग के जो भी कोर्सेज वगैरह लॉन्च हो रहे थे उस टाइम पे, उन सब के पास जा रहे थे, वो सब चीजें अटेंड कर रहे थे, क्लासेस पे जा रहे थे। और जिस टाइम पे मैं कॉलेज में थी ना, उस टाइम पे प्लेसमेंट रिलेटेड इतना कॉन्टेंट था ही नहीं, ना यूट्यूब पे ना लिंक्डइन पे। ज्यादातर दो तीन चीजें एस्टैब्लिश्ड थी, वही उन लोग उन्हीं के पास ही जा रहे थे। फिर ऐसा होता है कि मेरा एक फ्रेंड होता है जो यूडेमी पे अब्दुल बारी के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तू अपना यूडेमी का मेरे को एक बार एक्सेस दे दे, एंड आई विल ऑल्सो सी कि क्या कोर्सेज है, क्या होता, क्या है डीएसए में, कितना पढ़ना होता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ना मुझे ऐसा लगता था कि यार डीएसए ना जितना हमने 11th 12th में स्टैक्स क्यूज जितना होता है उससे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। बट नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर पूरा कुछ नहीं किया। फर्स्ट ईयर के जब समर ब्रेक्स आए तब मैंने ऐसे ही दोपहर में अब्दुल बारी की कुछ वीडियोस देखनी स्टार्ट करी। मैं बता रही हूँ, बहुत ही रैंडमली मैंने स्टार्ट किया था, विदाउट एनी मोटिवेशन, कुछ भी, सब कुछ जीरो से। फिर मैंने उसका C++ के बेसिक्स पढ़े, मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। मैंने मतलब उस पूरे दिन काफ़ी सारी वीडियोस देख दी और फिर ना मुझे लगा कि हाँ यार ये तो काफ़ी ईजी है। बट ना मैं उस टाइम पर ना ट्यूटोरियल्स ही देखने लग गई थी और मेरे को लग रहा था कि हाँ मैंने पॉइंटर्स का ट्यूटोरियल देख लिया तो मेरा पॉइंटर्स हो गया, फंक्शन देख लिया, फंक्शन तो मैंने 11th में पढ़ाया वो भी हो गया। नहीं, वो मेरी मिस्टेक थी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये जब एरेज वगैरह स्टार्ट हो गए ना, अब मैं इस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट करके भी देखती हूँ, तो जो क्वेश्चंस अब्दुल बारी ने करे थे वो क्वेश्चंस मैं कर पा रही थी, बट कुछ भी नए क्वेश्चंस आ रहे थे ना उसमें मुझे लॉजिक बनाने में दिक्कतें आ रही थी कि यार कैसे लॉजिक बनेगा, कैसे होएगा, कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि जिस क्वेश्चन को मैंने ट्यूटोरियल में देख लिया वो हो रहा है, बट जिस क्वेश्चन को मैंने ट्यूटोरियल में नहीं देखा वो मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा यार शायद से टेक फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, नॉन टेक रोल्स जितने हैं उनको एक्सप्लोर करो और आगे बढ़ो। एक और चीज़, पहले अब्दुल बारी का जो कोर्स था वो पेड था यूडेमी पे, बट अब उन्होंने C++ के जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट है वो पूरी यूट्यूब पे फॉर फ्री डाल रखी है, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप जीरो में कहूँगी C++ या फिर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर DSA में होते ना कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए अब्दुल बारी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उनकी प्लेलिस्ट जरूर गो थ्रू करो, बिल्कुल क्लासिक प्लेलिस्ट है, लाइक बेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स। फिर मैंने उस प्लेलिस्ट के जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करके एरेज और स्टैक क्यूज मैंने तीनों मतलब साथ में ही सॉल्व करने स्टार्ट करे थे। फिर मुझे किसी ने बताया था कि लीटकोड एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तुम मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर गीक्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने दो तीन प्लेटफॉर्म्स पे साथ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा था, जो थे हैकरैंक, गीक्स और इंटरव्यू बिट भी था, और फिर मुझे लीटकोड के बारे में किसी ने इंट्रोड्यूस कराया। और जब मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ करा मुझे ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा कन्वीनियंट लगा इसका UI एज़ कम्पेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म से। पता नहीं कि वो मेरा पर्सनल चॉइस हो सकता है, बट मुझे लीटकोड बहुत कम्फर्टेबल लगा। फिर मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए और मैं बता रही हूँ एक महीना मैंने लीटकोड करा और मुझे ऐसा हो गया कि यार क्वेश्चंस के ना सॉल्यूशन देखने पड़ रहे हैं बार बार। कई बार तो वीडियो यूट्यूब पे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की वीडियो देखनी पड़ रही है कि यार कैसे हो रहा है, और ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ क्या इतनी टफ है, क्या लॉजिक बनाना इतना टफ है, कि मैं क्या चीज़ मिस आउट कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा लॉजिक। नए क्वेश्चंस ये होता है कि ईजी लेवल के हो रहे, मीडियम लेवल के नहीं हो रहे। मीडियम लेवल के लिए मेरे को बार बार देखना पड़ रहा है, या मैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ना मतलब एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं सोच पा रही हूँ। और फिर ना उस चीज़ को सोच के मैं काफ़ी डीमोटिवेट भी हो गई थी कि यार कि मीडियम लेवल क्वेश्चंस नहीं हो रहे। और जैसे जैसे हम देखते थे ना कि कोड शेफ पे, कोड फोर्सेस पे आसपास के लोग पता नहीं कितने अच्छे रैंकिंग निकाल रहे हैं, कितने टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और मुझे होता कि यार अगर ये लोग प्लेसमेंट्स में मेरे साथ बैठेंगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो शॉर्टलिस्ट होंगी ही नहीं। बट विद टाइम, विद कंसिस्टेंसी, मैं बता रही हूँ एक महीना मेरा काफ़ी ज़्यादा बेकार गया था डीएसए करते टाइम लीड कोड पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बार बार ना डाउन होता था। एक क्वेश्चन सॉल्व करके जितना आता था आगे चल के एक मीडियम क्वेश्चन उस कॉन्फिडेंस को गिरा देता था, बट मैंने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। मैंने सोचा चाहे मुझे एक या दो दिन लग रहा है एक क्वेश्चन पे, उसको अच्छे से समझने में, अपनी चीज़ को एकदम क्लियर करने में, मैं वो एक दो दिन उस क्वेश्चन पे लगाऊंगी। चाहे मेरे से कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बट मैं ईमानदारी से उनको सॉल्व करूंगी। फिर विद टाइम,
विद टाइम, मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ, एकदम से कुछ भी नहीं हुआ, विद टाइम ये चीजें इंप्रूव हुई, क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए मीडियम लेवल के, और मतलब फिर इतना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ कि यार हाँ शायद मेरे में भी मतलब अब मैं भी एक अच्छी कोडर बन सकती हूँ. देन अगेन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि जो ओए राउंड्स होते हैं वो बिना सीपी के क्रैक करने बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना लेवल डीएसए पे नहीं रखती ओए राउंड्स का, वो टफ क्वेश्चंस ज़रूर ज़रूर पूछती है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर सीपी के कॉन्सेप्ट्स के अराउंड ही बेस्ड होते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि अभी सेकेंड ईयर का समर ब्रेक्स है, मैं दो मंथ्स में शायद उतनी अच्छे से ब्रश अप ना कर पाऊँ, तो सबसे ईजी वे होगा सीपी को करने का कि मैं किसी एक पेड कोर्स के ना सिलेबस को निकालती हूँ कि इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए हैं सीपी में, उन टॉपिक्स को उठाऊंगी, उनके बारे में आर्टिकल्स देखूंगी, उनके बारे में यूट्यूब की वीडियोस देखूंगी, और फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगी, और फिर उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करूंगी, ताकि मैं कम टाइम में स्मार्ट वर्क करके अपने सीपी के कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग करती हुई चलूँ, अलॉन्ग विद सीएस फंडामेंटल्स या फिर डीएसए जो भी है उसको भी मतलब ग्रास्प हो मेरा इन तीनों चीज़ों पर. तो फिर मैंने सीपी का एक कोर्स का सिलेबस निकाला, पढ़ा, फिर हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप्स के लिए कंपनियाँ आनी स्टार्ट हुई, गोल्डमैन आई, तो फिर उन्होंने उनका ओए राउंड हुआ, फिर मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई, और इंटरव्यूअर ने मेरे से ना सीपी का एक क्वेश्चन पूछा, मतलब उसने मेरे से डीएसए नहीं पूछा, उसने सीपी का एक क्वेश्चन पूछा, बट बाय गॉड्स ग्रेस मैंने वो सीपी का क्वेश्चन पहले कर लिया था. तो फिर ना मुझे पता था कि ये चीज़ कैसे होनी है, तो फिर पहले मैंने उसकी ब्रूट फोर्स की अप्रोच बताई, फिर मैंने बताया इसको हम ऐसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ये उसमें ना मैथ्स का एक फॉर्मूला भी लगना था, तो फिर मैंने बोला ये एक फॉर्मूला है, इससे भी ऐसे हो सकता है ये, और फिर मतलब वो काफ़ी इंप्रेस्ड हो गया था कि मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और उसने मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करा, एंड देन आई गॉट गोल्डमैन. एंड सिमिलर प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट का भी था कि तीन राउंड्स थे, उसमें जो इंटरव्यू के जो राउंड्स थे वो इजी टू मीडियम लेवल ऑफ लीड कोड क्वेश्चन कहूँगी मैं, वो भी मतलब ये था कि जिन क्वेश्चन को मैंने गो थ्रू करा था, कॉन्सेप्ट सॉलिड रखे थे मैंने अपने, तो वो भी हो गए थे. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये रहेगा कि कंसिस्टेंट रहो, ट्राई करो, जितना तुम फ्री रिसोर्सेज से कवर कर सकते हो चीज़ें उतना करो, क्योंकि अभी यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है कि तुम उस चीज़ को खुद के डिसिप्लिन से आगे परस्यू कर सको, तो ही तुम पेड कोर्सेज की तरफ जाओ, एल्स अपना अगर तुम डिसिप्लिन हो तो फिर फ्री में काफ़ी रिसोर्सेज अवेलेबल है. मैंने अब्दुल बारी की डीएसए की प्लेलिस्ट और मैंने दो तीन चीज़ें और रिसोर्सेज डाल दूंगी, उनको गो थ्रू करो. बट हाँ यार, आर्टिकल्स पढ़ने, किसी भी कंपनी के प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज़ वगैरह को गो थ्रू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर अपियरिंग फॉर देयर इंटरव्यूज़. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप इस वीडियो ने तुम्हें कहीं ना कहीं हेल्प करी होगी. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.